नमस्कार दोस्तों, बीपीसीएल की बात करेंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं और शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 400 के नीचे है, 370 के आसपास है। आज थोड़ी बहुत तेज़ी दिख रही है और निफ्टी में भी तेज़ी है। तो इसके फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं, एनुअली, क्वार्टरली, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे दोस्तों। और जो खबरों में बना हुआ था, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्टेक सेल की, तो ये 400 से 470, 480 के बीच कारोबार कर रहा था, बट 500 के ऊपर नहीं है। और डिविडेंड देने वाली कंपनी है, शानदार कंपनी है, मुनाफे वाली कंपनी रही है। पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आ रहा था बीपीसीएल का, बट ये है कि पिछले 1.5 साल में रेवेन्यू थोड़ा बहुत कम रहा और स्टॉक एक तरह से रेंज में ही कारोबार कर रहा था दोस्तों। पिछले साल के गिरावट में ये 270-280 तक आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 500 तक गया, फिर इसमें तेज़ी नहीं आई। तो अभी स्टॉक नीचे की तरफ है, लगभग 375 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ऊपरी लेवल पर कहाँ तक जा सकता है और अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो कहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है, उसकी बात शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। मार्केट से जुड़े रहने के लिए लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे पिछले 3-4 साल का, और ये एनुअली नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू जो हुआ है बीपीसीएल का 2021 में 232,415 करोड़ का था। अगर हम FY 2017 की बात करते हैं 203,065 करोड़ का था। इसी तरह से 2018 में 237,000 करोड़ का था और 2019 में 300,000 करोड़ का था। 2019 में 300,000 करोड़ तक का इनका टोटल रेवेन्यू बढ़ा था। उसके बाद देखिए एक तरह से कम हुआ है, 2020 में 286,000 करोड़ का था। ये एनुअली है, वार्षिक है टोटल रेवेन्यू, और 2021 में 232,415 करोड़ का रहा है। टोटल इनकम कम हुआ है 2021 में, अगर हम 2018, 2019, 2020 की बात करते हैं तो टोटल इनकम कम हुआ है। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 214,923 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था खर्चा सालाना। और उससे पहले देखते 282,000 करोड़ 2020 में, 2019 में 288,000 का, और 2018 में 224,684 करोड़, और 2017 में 190,000 करोड़ का। तो 2018 से 2020 तक इनका जो एक्सपेंसेस था ज़्यादा था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 16,164 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2021 में, और 2017 में 8,720 करोड़। तो उसके हिसाब से देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है पिछले 4-5 साल में। 2020 में प्रॉफिट था 3,055 करोड़, और 2019 में 7,802 करोड़, और 2018 में 9,008 करोड़ का था। तो अब की बार इनका प्रॉफिट ज़्यादा रहा है, बट ये कि रेवेन्यू कम रहा है दोस्तों। अगर हम पिछले 3 साल की बात करते हैं तो रेवेन्यू कम रहा है। और EPS की बात करते हैं 81 का था अब की बार। अब दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं, टोटल इनकम 1,02,596 करोड़ का था Q2 में, और पिछले साल 49,713 करोड़ 49,713 करोड़ का था। तो इसके अनुसार देखते तो दुगना था। जून में 71,365 करोड़, और देखिए मार्च के क्वार्टर में 77,356 करोड़, और दिसंबर के क्वार्टर में 66,809 करोड़। तो देखिए इनका टोटल इनकम अब की बार ज़्यादा था। और प्रॉफिट की बात करते हैं, 3,200 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2020 में एक साल पहले 2,263 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2020 में 1,565 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च के क्वार्टर में 10,301 करोड़ का था, और जून के क्वार्टर में 2,872 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे, और इससे पहले एनुअली नंबर्स थे दोस्तों। अगर हम EPS की बात करते हैं तो 15 का EPS था अब की बार। तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आया था। अगर हम सालाना की बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू कम रहा है पिछले 3 साल के अनुसार, प्रॉफिट में इनका जंप आया था। अब दोस्तों रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 1 साल का रिटर्न माइनस है, 1.49% का माइनस रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न है 11% का, 11.86% का रिटर्न है मात्र।
और 5 साल का भी देखिए एक तरह से माइनस 14.39% का माइनस रिटर्न है। बीपीसीएल ने निवेशकों को निराश किया है, 2021 में डिविडेंड दिया है, बट ये है कि 5 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो एक तरह से माइनस रिटर्न है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स 52.98% की हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और लगातार मेंटेन है ये। FIs और DIs क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, 11.97% की हिस्सेदारी है FIs की और एक साल पहले 11.56% की थी और बीच में इन्होंने ख़रीदारी की थी, देखिए मार्च के क्वार्टर में 12.42% की हिस्सेदारी थी, उसके बाद जून में भी एक तरह से 12.63% की हिस्सेदारी थी और सितंबर में इन्होंने एक तरह से सेल किया है, स्टॉक ऊपरी लेवल से गिरा है लगभग 490-500 के आसपास से। और DIs देखिए क्या कर रहे हैं, 21.72% की हिस्सेदारी है, ये भी सेल किया है, पिछले देखिए मार्च के क्वार्टर में 23.31% की थी, जून के क्वार्टर में 22.35% की थी, बट दिसंबर के क्वार्टर में 20.06% की हिस्सेदारी थी और अभी है 21.72 की हिस्सेदारी है। तो FIs और DIs की हिस्सेदारी भी अच्छी खासी है BPCL में। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, 52 एक हाई है 503 रुपया, 52 एक लो है 357 रुपया और अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है, गिरावट है ऊपरी लेवल से, प्रेशर है मार्केट में भी एक तरह से गिरावट है और पिछले साल मार्च में जो गिरावट हुई थी ये स्टॉक आया था दोस्तों लगभग 278 रुपीज तक आया था, बढ़कर लगभग 500 तक गया था, 500 के ऊपर नहीं गया दोस्तों, देखिए जंप भी हो रहा था स्टॉक में बट 500 के ऊपर नहीं गया, तो अभी एक तरह से ये ओवरसोल्ड लग रहा है, नीचे की तरफ आया, तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, मुनाफे वाली कंपनी है, इस क्वार्टर में रिजल्ट बढ़ गया था बट पिछले 3 साल का रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा था क्योंकि खर्चे कम हुए थे, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं Q3 Q4 में अगर इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक एक जंप करता हुआ दिखेगा और टेक्निकली एक तरह से देखिए ये ओवरसोल्ड लग रहा है और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है लगभग 400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो लगभग 430 से 450 तक जाता हुआ दिख सकता है, मान के चलिए इसमें तेजी होती है तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ और 357 को अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग 330 से 300 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों, तो ये नीचे का रिस्क रहेगा और ऊपर का जो तेजी रहने की संभावना रहेगी 100 पॉइंट्स, मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज आती है तो इसमें तेजी की संभावना रहेगी। दोस्तों कुछ फाइनेंशियल नंबर थे और शेयर प्राइस एक तरह से गिरा है, ओवरसोल्ड है, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, अपना जो रिस्क ले सकते हैं उसके अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों BPCL का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम के अनुसार, तो आज तेजी में है, स्टॉक को एक तरह से बाउंस बैक करना चाहिए, 400 को क्रॉस करना चाहिए, अगर मार्केट में आने वाले दिनों में गिरावट होती है तब ये स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ देख सकता हूँ, बट ये कि बाउंस बैक भी बहुत तेजी से होगा दोस्तों, एक शानदार कंपनी है, मुनाफे वाली कंपनी है, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से BPCL को इस वक्त देखना चाहिए, तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार BPCL का एनालिसिस और विश्लेषण है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।